तो कृपानाथ ध्रुव जी को मार्गदर्शक के रूप में नारद जी मिले। ध्रुव जी को मार्गदर्शक के रूप में नारद जी मिले और नारद जी का एक बहुत बड़ा गुण है, नारदो देव दर्शन। नारदो देव दर्शन, नारदो देव दर्शन मतलब जिसको नारद जी मिलेंगे उसको ठाकुर जी जरूर मिलेंगे, ये एकदम तय है। जिसको नारद जी मिलेंगे उसको ठाकुर जी पक्का मिलेंगे। जैसे श्री वल्लभ जिनको शरणागत करेंगे, श्री वल्लभ जिनको ठाकुर जी के सन्मुख करेंगे, श्री ठाकुर जी उनको निश्चित रूप से अपने कुंज में सेवा देंगे। तो ध्रुव जी को नारद जी मिल गए, नारद जी ने राह बता दी। कौन सी राह बताई नारद जी ने? यमुना किनारे जाना। यमुना किनारे मधुवन में एक ऊंचा टीला है, वहां जाकर के तप करना। जाओ बेटा, पहले तो नारद जी ने बहुत परीक्षा ली, वहां क्या करेगा, वहां ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब देखा ध्रुव डिगने वाला नहीं, ध्रुव चुकने वाला नहीं, ध्रुव एकदम अड़िग है, तब नारद जी ने ध्रुव जी को कहां भेजा? यमुना जी के किनारे। नारद जी ने उनको तुरंत ही यमुना किनारे भेज दिया, जाओ बेटा वहां जल्दी उपचार हो जाएगा, वहां तुम्हारी व्याकुलता को जल्दी समाधान मिलेगा, वहां तुम्हारी व्याकुलता को जल्दी समाधान मिलेगा। और श्री ध्रुव जी महाराज ने वहां आकर के भजन किया 6 महीने तक। ब्रजभूमि है, श्री ध्रुव जी ने जहां भजन किया वो जो स्थान है वो ब्रजभूमि है, वो ब्रजभूमि है। और ब्रजभूमि हमको फल दे रही है कृपानाथ, तो ये सब सहज है। ध्रुव जी के 3rd महीने में ये छूट गया, 4th महीने में तो भैया श्वास लेकर रहते हैं, बस श्वास लेते हैं छोड़ते हैं। 5वें महीने में तो श्वास लेना भी बंद कर दिया और पांव के एक अंगूठे के ऊपर खड़े हो गए, पांव के एक अंगूठे पर खड़े हो गए। और फिर भगवान को प्रकट होना पड़ा। भाई देवताओं ने जाकर के कहा, भगवान आपका छोटा भगत इतना कठोर तप कर रहा है, उसके तप के तेज से हम सब दग्ध हो रहे हैं, हम सब तप रहे हैं, आप उसको दर्शन दो ठाकुर जी, आप उसको दर्शन दो। श्री ठाकुर जी कहते हैं, अरे देवताओं, जो 5 वर्ष की अवस्था में ऐसा कठोर तप कर रहा है उसको दर्शन दूंगा नहीं, उसका दर्शन तो मैं करूंगा। और ठाकुर जी ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए आए। आहा, और ध्रुव जी ने जब ठाकुर जी को देखा तो कभी हम भी ठाकुर जी को ऐसे देखें, कभी हम भी ठाकुर जी को ऐसे देखें। तद्दर्शने नागत साध्व सक्षिता ववन्दतांगं विनमय्य दंडवत द्रग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन् निर्भारभक चुंबन निवास्येन भुजेरि वाश्लिषं। आहा, श्री ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी को देखा
पहली बार देखा ठाकुर जी को, आहा पहली बार देखा ठाकुर जी को, आहा पहली बार देखा ठाकुर जी को, तो ऐसा आनंद हुआ ध्रुव जी को, प्रेम में अधीर हो गए, प्रेम में अधीर हो गए, पृथ्वी के ऊपर दंड के समान लौट गए। फिर भैया ठाकुर जी को ऐसे देखने लगे ध्रुव जी, मानो आंखों से ठाकुर जी को पी जाएंगे, नेत्रों से उनको पी जाएंगे, ऐसा लग रहा है मानो ध्रुव जी अभी लपक कर ठाकुर जी को चुंबन कर लेंगे। ठाकुर जी लगते तो है ही इतने प्यारे, लगते तो है ही इतने प्यारे।